हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो आज हम अपना अध्याय चार प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या एक हल करेंगे। हमारे पास दिया हुआ है कि प्रश्न में सारणिक का मान ज्ञात कीजिए और हमको एक सारणिक दी हुई है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम सारणिक समझ लेते हैं। हमने अभी तक आव्यूह पढ़ा हुआ है। मान लीजिएगा, अगर मेरे पास एक आव्यूह लिखा हुआ है A1, A2, A3, A4, ये चारों उसके अवयव हैं। तो देखिए, आव्यूह को आप देखिए बड़े कोष्टक से दर्शाते हैं और ये हमारे पास है आव्यूह। और हमसे कोई सारणिक बोलेगा तो हम उसको दो बड़ी बड़ी लाइनों द्वारा दर्शाएंगे। तो ये अपने पास एक सारणिक हो जाएगा। तो अभी तक मैंने आव्यूह और सारणिक में अंतर तो समझ लिया। अब देखते हैं सारणिक का मान कैसे निकाला जाता है, क्योंकि आपसे सारणिक का मान निकालने को बोला गया है। तो आप ध्यान रखें, जब भी आपके पास 2x2 का आव्यूह दिया हो तो आपको 2 का -1 से गुणा करें सबसे पहले। तो अपने पास आ जाएगा 2 गुणा -1, फिर माइनस साइन लगाकर आप -5 का 4 से गुणा करो तो आपके पास आ जाएगा -5 गुणा 4। तो हमारे पास आ जाएगा -2 माइनस -20। जब हम सॉल्व करेंगे तो अपने पास -2 प्लस 20 आ जाएगा और फाइनली सॉल्व करने पर 18 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे प्रश्न 1 का आंसर 18 हो जाएगा और यही हमारा सारणिक का मान कहलाता है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में भी हमको बोला गया है कि प्रश्न में सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। और प्रथम पार्ट पर चलते हैं। तो प्रथम पार्ट में भी हमको एक 2x2 आव्यूह का एक सारणिक दिया हुआ है। सारणिक मतलब ये दो बड़े बड़े चिन्ह लगे होते हैं अपने पास। तो देखिए, सारणिक का मान अभी तक हमने पढ़ा कि कॉस थीटा का कॉस थीटा से गुणा करेंगे, अर्थात कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा मैंने लिख दिया। फिर माइनस का साइन लगाऊंगा और अब मैं साइन थीटा का माइनस साइन थीटा से गुणा करूंगा। तो साइन थीटा गुणा माइनस साइन थीटा मैंने कर दिया। तो देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, और ये अपने पास सॉल्व करके माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो अभी देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपने पास आ जाएगा। और हमने त्रिकोणमिति में ये एक सर्वसमिका पढ़ी है जिसका मान हमेशा 1 आता है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर अपने पास 1 आ गया। चलिए अब हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमको 2x2 का एक सारणिक दिया हुआ है। तो देखिए, इसमें भी हम क्या करेंगे, ये जो पहला अवयव है x2 - x+1, इसका गुणा करेंगे x+1 वाले अवयव से। तो अपने पास आ जाएगा x2 - x+1 गुणा x+1, माइनस का चिन्ह। अब हम x+1 का गुणा करेंगे x-1 से। तो देखिए, x+1 गुणा x-1 मैंने कर दिया। अब आपको इसको केवल सरल करना है। तो देखिए, मैं सरल कैसे कर सकता हूं, x+1 यहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है, अर्थात मैं दोनों में से कॉमन ले लेता हूं। तो मैंने देखिए कॉमन ले लिया, तो अपने पास कोष्टक में बचेगा x2 - x+1 - x+1। तो अभी आप देखिए x+1 और अपने पास कोष्टक में बचेगा x2 - 2x+2। तो अगर मैं इसको गुणा करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा x3 - 2x2 + 2x + x2 - 2x + 2। तो अभी केवल इसको हमको सरल करना रह गया है। तो देखिए, सरल भी करते हैं तो x3 आ गया। अब हम x2 वाले पद देखेंगे, तो एक तो -2x2 है और ये प्लस का x2, अर्थात माइनस का x2 आ गया। देखिए, 2x और -2x यहां से कैंसिल आउट हो गया और अपने पास प्लस का 2 बचेगा। तो यही अपने पास पार्ट 2 का आंसर हो गया, या सारणिक का मान हो जाएगा।